मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिश्रा जी ट्रैवल ब्लॉग्स। तो स्वागत है आप सभी का आज के एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज हम हैं अपने स्कूल परिवार के साथ और अपने स्कूल परिवार के साथ हम जा रहे हैं भ्रमण करने। आपको मैं दिखाना चाहूँगा हम कहाँ पर जा रहे हैं। हम अपने स्कूल टीम के साथ जा रहे हैं पावापुरी, नालंदा, राजगीर और बोधगया। तो गाइस, हमारा ये ब्लॉग बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हम स्कूल की तरफ से यहाँ पर जा रहे हैं साथ में और ये हमारा एक शैक्षणिक भ्रमण होने वाला है। हमारे सारे सर और स्कूल के कुछ बच्चे यहाँ मौजूद हैं। तो वीडियो बने रहें, आपको बहुत मजा आएगा और एंड तक देखें ताकि आप भी इस जर्नी को इंजॉय कर पाए। तो गाइज, अभी हम लोग एक रेस्ट के लिए रास्ते में रुके हुए हैं। हम लगभग सुबह 8 बजे सासाराम से चले थे और अभी आमस में आकर रुके हुए हैं। लगभग 2 घंटे हमें हो चुके हैं यहाँ पर। सब लोग नाश्ता के लिए रुके हुए हैं, चाय नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सबको भूख लग चुकी थी। लगभग हम लोग 2-3 घंटे सफर कर रहे थे। आप ऐसा देख सकते हैं सभी लोग यहाँ नाश्ता करने में बिजी है और मैं भी लगा हुआ हूँ। तो बाकी आपको देख लीजिए इस लड़की को ध्यान से, चाय बेचते हुए, अभी हम अपने स्कूल टीम के साथ पहुंच चुके हैं महाबोधि मंदिर के पास। आप देख सकते हैं मंदिर हमारे सामने ही है और ये लोग जो दिखाई दे रहे सब हमारे साथ है। तो आप लोग आज मजा करना है ना, चलिए। तो बाकी अंदर तो फोन अलाउड नहीं है, ये वीडियो यहीं पर बंद करता हूं मैं। बाकी आपको और दिखाए जाएंगे, जहां फोन अलाउड होगा वहां का हर एक सीन आपको दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग महाबोधि मंदिर में दर्शन करके निकल चुके हैं। कैमरा अलाउड ना होने की वजह से वहाँ का सीन तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं नौलखा मंदिर के लिए। बाकी आप देख सकते हैं हमारी सारी सवारियाँ निकल रही हैं। हम लोग लगभग यहाँ पे 5-6 ऑटो में हैं। आप देख रहे हैं जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब हमारे स्कूल की तरफ से की गई हैं। तो गाइज, अभी हम अपने ग्रुप के साथ फाइनली पहुँच चुके हैं नौलखा मंदिर। तो मैं आपको कुछ सिनेमेटिक शॉट्स के जरिए इस मंदिर का दिखाता हूँ और आप भी घूमिए हमारे साथ। तो गाइस, अभी हम लोग अपने टीम के साथ पहुंच चुके हैं 80 फीट की बुद्ध की प्रतिमा देखने के लिए। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो भी मौजूद है वो सब हमारे स्कूल की तरफ से आए हुए हैं और यहां आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा को भी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये 80 फीट की प्रतिमा है जो कि ध्यान मुद्रा में है यहाँ पर और ये बिहार की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की प्रतिमा मानी जाती है। गाइस, अभी हम और हमारा स्कूल टीम यहाँ नाश्ता करने के लिए रुका हुआ है। मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जहाँ हमने नाश्ता कर रही है, न्यू पुष्पा बेवफा रेस्टोरेंट, जो कि 80 फीट प्रतिमा जो वहाँ पर है वहीं पर मौजूद है ये। तो गाइस, स्कूल ट्रिप पे आना सच में बहुत मजेदार होता है। अभी देख रहे हैं हमारे साथ कितने सारे लोग हैं और देखिए ये भी है, मतलब हम लोग यहाँ पे स्कूल ट्रिप पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सभी लोग हमारे साथ हैं, हल्ला नहीं, प्लीज हल्ला नहीं। तो गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं यहाँ के सारे मंदिरों का शॉर्ट्स इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं अभी जस्ट यहाँ फिलहाल यहीं से आकर गया हूँ। तो मेरे चैनल पे पहले से बोधगया का एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड है, जिस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह से पूरे बोधगया को घुमाने की कोशिश की है। तो आप अगर बोधगया को अच्छे से घूमना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को चेकआउट करें और मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूं। तो गाइज, बोधगया का सफर हमारा यहाँ खत्म होता है और आपसे हम सीधे मिलते हैं राजगीर में। तो वीडियो में बने रहें। शाम के 5:30 लगभग बज चुके हैं। अभी हम लोग राजगीर के रास्ते में हैं, राजगीर पहुंच नहीं पाए हैं। तो लगता तो नहीं है कि आज हम लोग राजगीर घूम पाएंगे। तो आज हम लोग का राजगीर में रेस्ट रहेगा और कल सुबह उठते ही हम लोग राजगीर और नालंदा घूमना शुरू करेंगे और कल एक दिन में हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। बाकी आपको वीडियोज भी मिलती रहेंगी। तो आज का सीन तो बस ऐसा ही था कि
फाइनली हम लोग राजगीर पहुंच चुके हैं। अभी हमारा टाइम हो रहा है लगभग 6:20 हो रहे हैं और देखिए ये हमारा धर्मशाला है श्री झुनकी धर्मशाला। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आज रात का रेस्ट करेंगे और इसके बाद कल सुबह घूमने के लिए निकलेंगे। बाकी हमारे साथ देख रहे होंगे जो भी लोग हैं यहाँ पे। सो गाइस हम लोग राजगीर पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब खाने पीने का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को आप देख पा रहे हैं, लोग मटर छिलने में लगे हुए हैं और वहाँ पे मैम लोग हैं जो खाना पीना बनाने में लगी है, मतलब खाने की यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे सरदार जी से कुछ सवाल पूछते हैं। सरदार जी, मटर छिल के कैसा लग रहा है आपको? खा तो नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, यहाँ सब हो रहा है। चार दाना वहाँ। देखिए 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 ये कैसे कर रहे हैं ये लोग। चलिए स्टूडेंट्स लोग मस्ती तो करेंगे, बाकी और वीडियो बने रहिए। अब मिलते हैं आपसे सीधा सुबह में। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारी ट्रिप का दूसरा दिन है और हम पहुंच चुके हैं गर्म कुंड नहाने के लिए। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि हम गर्म कुंड वाले इलाके में हैं और सॉरी मैं माफ़ी चाहूंगा, मेरा आवाज़ बैठ चुका है क्योंकि यहाँ शोरगुल भी था, हल्ला मचा रहे हैं, खेलने कूदने में थोड़ा सा आवाज़ बैठ चुका है। बाकी हमारे साथ कुछ बच्चे और सर भी आए हुए हैं तो यहाँ लाइट की सुविधा नहीं है, तो आपको वीडियो क्वालिटी ख़राब आ रही होगी। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ कुंड में कैसे क्या है। अभी हम लोग कुंड के बाहर आ चुके हैं, यही कुंड है जिसके अंदर हमें जाना है नहाने के लिए। सो गाइज देख सकते हैं हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे और तो यहाँ से हम लोग कुंड की तरफ जा रहे हैं अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ गाइज यहाँ पे कितनी भीड़ है। सुबह के अभी लगभग 5:30 बज रहे हैं। स्कूल टूर के साथ आज हम सुबह पहुंच चुके हैं विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय में। आप देख सकते हैं स्कूल की पूरी टीम हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हमारे टीचर्स लोग, हमारे स्कूल के बच्चे, मैम, सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं गेट खुलने का। तो गाइस हमारे ट्रिप में ये नालंदा विश्वविद्यालय भी ऐड किया हुआ था, सो इसके जरिए अब हम लोग अंदर जाएंगे, बाकी घूमते हैं। देखिए गाइस गेट भी खुल रहा है। अगर आप इस नालंदा बिहार को अच्छे से घूमना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक अलग से इस बिहार का वीडियो बनाया है। उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाए। सो गाइस यहाँ पर इस विश्वविद्यालय का मैप बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं, इस मैप के जरिए हम लोग इसको घूमने की कोशिश करते हैं। सो गाइज नालंदा का हमारा यह सफर यहीं तक रहेगा। अब मैंने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को आपको घुमाने की अच्छे तरीके से कोशिश की है। सो गाइज आप पूरे वीडियोस को देखें। नालंदा विश्वविद्यालय के ठीक सामने ये म्यूजियम है, हम लोग इस म्यूजियम में घूमने जा रहे हैं अभी। यही है वो म्यूजियम, आपको मैं क्लोज लुक बाहर से दे देता हूँ। इस म्यूजियम के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो गाइस मैं आपको इसके अंदर का सीन नहीं दिखा पाऊंगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बाकी आप कैंपस देखिए और इस गेट से अब हम लोग अंदर जाते हैं। गाइस हम लोग आ चुके हैं इस जल मंदिर के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर को जल मंदिर क्यों कहा जा रहा है। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर जल के बीच स्थित है। गाइस आपने पावापुरी का जल मंदिर तो घूम लिया होगा, उसके बाद ठीक उसके अपोजिट जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए ये हमारा है जल मंदिर का गेट और ठीक उसके अपोजिट साइड में एक नया मंदिर बना है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप इस मंदिर को भी आए तो आकर घूम सकते हैं। एंड इस मंदिर के बारे में बताना चाहूंगा कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है।
सो गाइस, पावापुरी का हमारा यह सफर यहाँ खत्म होता है। मैंने आपको यहाँ पर दो जगह दिखाई है, पहला था जल मंदिर और दूसरा एक नया मंदिर जो जैन मंदिर का निर्माण हो रहा है। वो दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत अच्छी मेहनत की है, यहाँ पर वीडियो अच्छे बनाए हैं। तो गाइज, आपका भी फर्ज बनता है अपने छोटे भाई को सपोर्ट करने का। सो गाइज, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, बहुत मजा आएगा आपको। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। गाइज बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। सो गाइज, अब हम लोग अपने स्कूल टीम के साथ पहुंच चुके हैं राजगीर के एक और नए जगह पे जो कि बौद्ध स्तूप के नाम से जाना जाता है। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये हमारे स्कूल की पूरी टीम है और हम लोग अभी जा रहे हैं बौद्ध स्तूप पर देखने, यानी हम लोग उस पहाड़ी पर जाने वाले हैं। गाइज, वहाँ पे कुछ लोग पैदल जाएंगे, कुछ ट्रॉली से, मतलब जिसको जैसा मन वो वैसे जाएंगे। तो गाइज, आप भी इस वीडियो को देखें, हमारा स्कूल ट्रिप कैसा है। गाइज, ये हमारे स्कूल के बच्चे लोग हैं जो इस सांची स्तूप पे जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। गाइज, अब इनका भी मस्ती होगा, हमारा भी मस्ती होगा, सो वीडियो को पूरा देखे लास्ट तक। तो गाइज, हमारी पूरी चढ़ाई कवर हो चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं बौद्ध स्तूप को देखने के लिए। गाइज, मैं दिखाता हूं, हमारे सामने रहा जो देखने के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतने पैसे खर्च किए, ऊपर तक आए। सो गाइज, ये है ये बौद्ध स्तूप। तो गाइज, ये रहा कुछ कैंपस जो कि इस बौद्ध स्तूप का है। गाइज, यहाँ पे चारों तरफ भगवान बुद्ध की इस तरह की कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो अलग अलग मुद्रा में स्थापित है। तो गाइज, मैं आपको हर एक मूर्तियों की अलग अलग वीडियोस दिखाने की कोशिश करता हूँ, सो कीप वॉचिंग। तो गाइज, हमने ये स्तूप घूम लिया है और अब हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने भी इस स्तूप को हमारी तरह बहुत एंजॉय किया होगा। सो गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके उसे शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अब ये वीडियो यहीं खत्म होता है। बाय बाय गाइज़।